अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे से क्लास 8 की जिसका यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 है। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसके 4 क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले उनको देख लें ताकि ये फार्मूलाज वगैरह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड रुपीज़ 31,000 हैव टू बी इन्वेस्टेड एट ए मार्कअप रेट ऑफ 6% पर ईयर टू गेन रुपीज 5,332 रुपये। कह रहे हैं 31,000 रुपये जो हमने लगाए किसी चीज़ पे और मार्कअप रेट 6% पर ईयर के हिसाब से, तो हासिल हुए 5,332। तो हाउ लॉन्ग वुड रुपीज़, यानी हाउ लॉन्ग यानी टाइम पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब है कि यहाँ हमसे टाइम पूछ रहा है, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स दे रहे हैं। और जो पैसे लगाए गए हैं यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी पी से डिनोट करते हैं उसे, वो है 31,000 रुपये। फिर यहाँ पे और ये इंटरेस्ट जो है यानी ये जो मिला वो मिला 5,332 रुपये, ये इंटरेस्ट हुआ। तो अब हमने इसका फार्मूला यूज़ करना है मालूम करने के लिए, टाइम मालूम करने के लिए। रेट दिया गया है, रेट भी लिख लेते हैं, रेट हमें दिया गया है 6%। अब हमारा फार्मूला तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। फार्मूला हमारा क्या है, वो है टी, ये आई इज इक्वल टू पी आर टी, पी आर टी बुनियादी फार्मूला ये है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टी मालूम करना है तो टी का फार्मूला इधर लिख के इधर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये टी मालूम करना है तो ये पी आर जो है इसके आई के, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में तो आके डिवाइड होंगे, तो आई अपॉन पी आर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो 5,332 रुपये है, 5,332 रुपये हमारे पास इंटरेस्ट है। और अपॉन में चले जाएं तो इनिशियल पेमेंट जो है वो कितनी है, प्राइम यानी प्रिंसिपल अमाउंट वो 31,000 है। और रेट जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए 6% है, तो जब 6% करेंगे तो ये हो जाएगा 6/100, परसेंटेज को हटाएंगे तो 6/100 आ जाएगा। तो ये 20 और 20 ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो बाकी ये 5,332 और अपान 6 को मल्टीप्लाई करें 310 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,860, 1,860 रुपये हो जाएंगे। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो टी हमें मालूम हो जाएगा, इसके साथ हम डिवाइड करेंगे, आप करके देखिए डिवाइड, तो ये आ जाएगा 2.86 ईयर, ये साल जो है वो इस पर लगेंगे। और यही हमसे पूछ रहा है, यही हमारा बुक में भी आंसर मौजूद है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो आज हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।